गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हमारे साजन इस बार ज़्यादा लगे नहीं है, सारे टूट के गिर गए हैं, क्योंकि फूल हवा चलती थी ना, हवा की वजह से फूल गिर जाते थे, तो ज़्यादा साजन नहीं लग सकता था। यही लगे, आप देख सकते हो, ये रहा। और इसे खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, ये छोटा जो कच्चा कच्चा है। तो आज रात को बारिश भी हुई है, रात से ही थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं, इतनी तेज़ नहीं, बस हल्की हल्की बारिश। मिट्टी गीली हो गई है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, मिट्टी गीली हुई है, बस इतना ही बारिश हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। और साजन भी गिर रहे हैं, गिर गिर के ही ख़त्म हो गए हैं। समीर, गुड मॉर्निंग। वाह, नाइस। समीर को प्लेन मिला फ्रेंड्स गिफ्ट में, और समीर के बड़े भाई ने दिया है। ये समीर को गुस्सा आ गया। ये समीर आ ही लेना फ्रेंड्स, समीर को हमेशा छेड़ता है, और इसके हाथ में कोई चीज़ हो खाने की या कोई भी चीज़ तो आहिल छीन के ही छोड़ता है, मतलब उसको चाहिए चाहिए। और अब समीर को गुस्सा आ जाता तो समीर भी फिर दे ही देता दो तीन गिफ्ट में, रिटर्न तो मिलेगा। तो ये इतना देखने में सच्ची में इतना शरीफ लगता है, लेकिन मारता बहुत है, बहुत ज़्यादा, मैं तो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। हाँ, ये देखो, मतलब समीर के हाथ पे कोई चीज़ होगा तो उसको छीनना ही, अगर आधा बिस्कुट भी है तो उसके पीछे पीछे भागता रहेगा जब तक उसको ना मिले। समीर, हाय कर दो। हाय कर दिया फ्रेंड्स समीर ने। आज समीर का मूड अच्छा अच्छा, दिखाओ, सबको दिखाओ फ्रेंड्स। ये देखो, समीर को प्लेन मिला है गिफ्ट में। हाँ, किसने दिया? बोलो, नाना ने दिया है फ्रेंड्स। ये ना मेरे जेठ के बेटे को नाना बोलता है, मतलब बड़े भाई को नाना बोलता ही है, नाना ने दिया, इसकी नाना ने। चलो समीर, हम लोग नाश्ता करते हैं, ठीक है? ठीक है, बोलो। मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मा की तबीयत खराब है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, और मुझे टाइफाइड है, और उसके साथ प्लेट डाउन हो गया है, मतलब प्लेट कम हो गई है और खून की कमी हो गई है। तो डॉक्टर ने मेरे को आराम करने के लिए बोला है, रेस्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ उस वजह से। तो फ्रेंड्स, आज साजन तोड़ने वाले हैं थोड़े थोड़े से, क्योंकि काफ़ी अच्छा हो गया देखें। और साजिद को खोल दिया, तो साजिद समीर को तंग कर रहा है, इसलिए समीर चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। तो बस अभी इलाज चल रहा है अच्छे से। और ये है नई लड़की, मेरी जेठ की रिश्तेदार लगती है कोई। खुश है समीर बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज अभी नाश्ता करती थी, सोच के देखती क्या बनाना है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मेरे से घर का काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे ताकत नहीं है काम करने की। डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करना, आराम करना है। तो रात को इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि ऐसा लग रहा है कि शरीर में ताकत नहीं है और उठ नहीं पाऊँगी, गिर जाऊँगी। तो थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा, नहीं तो सर भारी हो जाएगा घर पे बैठे बैठे, और बहुत ज़्यादा फिर ख़राब हो जाएगी। तो अभी नाश्ता करती हूँ, बड़ा बेटा उठ गया है, नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आज क्या बनाना है। और सारे बच्चे मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे देख रहे, ये देखिए सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं। और समीर देखो कैसे चिल्ला रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने चाय गर्म कर ली, उबल गया, और माँ तेल डाल रही है, हम लोग मुरमुरे खा रहे हैं। मेरे लिए मुरमुरे ने निकाला है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया, जब से मैं बीमार हुई हूँ, टाइफाइड हुआ है मुझे, तब से डॉक्टर ने मेरे चावल रोटी बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने उस दिन से चावल रोटी खाया नहीं है, बहुत मन करता है रोटी खाने के लिए, क्योंकि इंसान के अंदर अगर अनाज ना जाए तो उसको ताकत कैसे मिलेगी। और जिस डॉक्टर से हम लोग दिखाते हैं ना, वो डॉक्टर है ना, जैसे ही कोई उसके पास बीमार वाला इंसान चला जाए तो उसको तो वो रोटी पानी ही बंद कर देता है। तो मुझे चावल देख के बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि इसमें प्याज अंडे हैं, तो देख के ही मन कर रहा है खाने के लिए। तो नहीं खाऊंगी,
मन को कठोर बना के रखा है और चाय गर्म हो गया, चाय ही ले लेते हैं और साथ में मैं मुरमुरे ले लूँगी। मेरे को मुरमुरे खाने का भी मन नहीं करता क्योंकि मेरे को सुबह सुबह है ना वो एक पराठा मिल जाए, मतलब रोटी हो पराठा हो उसके साथ बस, तो चाय हो एक कप, मतलब 2-3 बजे तक रहना होता है, काम करना होता है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा पेट भर जाए तो 3-4 बजे तक अच्छे से काम कर लूँ, क्योंकि खाना 3 बजे के बाद ही खाते हैं, 3 बजे 2:30 बजे ऐसे खाते हैं हम लोग दोपहर का लंच। तो बस अभी मेरे नसीब में अभी खाना है नहीं, तो जब ठीक हो जाऊँगी तो मैं भी खाना खाने लगूँगी, क्योंकि हमारा डॉक्टर थोड़ा अलग तरीके का है, खाना पीना बंद कर देते हैं, कहते हैं अनाज नहीं खाना, जिसने मेरे पास इलाज करना है। तो हम मैं तब से जब से मेरा टाइफाइड हुआ है प्लेट कम हो गई, खून की कमी हो गई है बहुत, तो अभी दवाई चल रही है, तो ये सब मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे खाएंगे। साजिद और साहिल मेरा बड़ा बेटा वो चावल खा लेगा और मार मैं मुरमुरे खा लेंगे और मार रोटी भी ले लेगी एक आधा साथ में, रोटी तो बनती ही है, इसके बिना तो गुजारा नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग रोटी खाने की आदत है सुबह सुबह नाश्ते में, क्योंकि रस वस से पड़ता नहीं पड़ता है, फैमिली बड़ी है इसलिए पड़ता नहीं पड़ता, और 10-11 बजे तक फिर दोबारा से भूख लग जाती है, तो रोटी खाने से थोड़ा सा पेट में भरा भरा सा लगता है तो अच्छा लगता है, काफ़ी देर तक काम भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग आइए हमारे साथ चाय पीजिए, हम लोग भी चाय पी रहे हैं अभी। जब से बीमार हुई हूँ बीमार वाला खाना दिया जा रहा है फ्रेंड्स, जब से बुखार शुरू हुआ था टाइफाइड होने से पहले, मेरा रोटी पानी रोटी बंद कर दिया, मेरा चावल बंद कर दिया, एक इंसान फल फ्रूट के खा के कब तक जिंदा रह सकता है, मैं कैसी हो गई, मेरा गले से आवाज बंद हो गई है, कोई तो दे दो थोड़ा, 2 रोटी थोड़ा सा चावल, ये खाने के लिए बोला है, ब्रेड खाने के लिए बोला है, ये कोई खाने की चीज है? गरीब इंसान ने रोटी की बिना जिंदा रह सकते हैं, चावल की बिना कम से कम एक टाइम ही दे दे, नहीं खाया जा रहा है। आप लोग आइए तो खाइए। फ्रेंड्स रात को हम ये वाला मच्छी बना रहे हैं आज, मुझे इसका नाम नहीं पता लेकिन ये बहुत महंगा आता है, 400 रुपये किलो आता है, और ये मेरा कढ़ाई पे बन रहा है मसाला, हमने मछली को अच्छे से भून लिया है और मसाला भी पक गया है, तेल छूट गया है, और ये बिल्कुल बिना टमाटर का है, सिर्फ सरसों और धनिया पाउडर, मैंने सरसों वाला मछली बनाया आज, तो देखते हैं खा के कैसा लगता है। तो अभी तरी बनाएंगे, इसको धीरे धीरे चलाना होता है नहीं तो ये टूटने का डर रहता है फ्रेंड्स। मैंने इसको अच्छे से भूना था और आज बिना टमाटर की बना रही हूँ सब्ज़ी, सिर्फ सरसों डाल के। अब इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स मेरी सब्जी पक गई है, मैंने 15 मिनट तक अच्छे से पकाया है, और जब तेल छूटने लगे सब्जी में से साइड से, तो समझो सब्जी पक गई है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ
और अगर आप लोग मेरी सब्जी की रेसिपी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।